देखिए दही के लिए ये दुकान सबसे प्रसिद्ध है नवद्वीप का ये मिष्ठान्न भंडार। यूट्यूब चैनल में बहुत सारा यूट्यूबर ने ये मिष्ठान्न भंडार का प्रमोशन किया, लेकिन मैंने इस दुकान में आकर दही खाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये दुकान भी सबसे सामने होता है, आंखों के सामने, इसलिए ये देखिए बहुत सारा लोग इधर में आते हैं, बहुत से क्राउडेड है, बहुत सारा भीड़, क्योंकि ये सबसे सामने है, एकदम नवद्वीप घाट के बहुत से सामने है, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन उतना दाम भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं थोड़ा सा बैक साइड में, थोड़ा सा बाई लेन में एक दही के घर में मैं आपको ले जाऊंगा, जिसमें दही भी थोड़ा सा कम है, दाम कम है, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं आज आया हूँ नवद्वीप का फेमस खीर लाल दोई ये एक दुकान में, खीर लाल दोई। इस दुकान से मैंने एक थोड़ा सा दही लिया टेस्ट करने के लिए, और ये देखिए ताज़ा घोष का खीर लाल दोई। ये जो खीर लाल दोई ये मैंने लिया, ये ही नवद्वीप का सबसे फेमस है। और ये जो घाट है, मायापुर घाट और नवद्वीप घाट और बड़ाल घाट, ये 2-3 मिनट के रास्ता है। देखिए बहुत से घोसदा है, ये दूध भी लेकर आया है, देखिए ये दूध लेकर आया है, ये दही बनाने के लिए दूध, और ये जितना भी सारे लोग हैं सब दूध देने वाला लोग है, सब घोसदा है, सबका घोसदा है, आप सभी का लोग का घोस है ना, हाँ सभी का घोस है। और ये देखिए सब बहुत सारा लोग इधर में आए हैं, घोसदा है। मैं थोड़ा सा आगे जाकर, इधर में दूध नहीं है, इधर में दूध है, देखिए सब दूध लेकर आए हैं, ये दूध से दही बनता है। और मैं थोड़ा सा इधर में दिखा दूँ, ये बड़ा बड़ा ड्राम जो आप देख रहे हैं, देखिए दूध का ड्राम है, गाय का दूध है और भैंस का भी दूध है। ये दुकान है, छोटा सा दुकान है, लेकिन ये बहुत फेमस है। देखिए अभी मैं ये दही खा रहा हूँ, ये एक्चुअली दही नहीं है, दही का जो थोड़ा सा शावर टेस्ट होता है, टॉक टॉक होता है, खट्टा होता है, वो खट्टापन इसमें नहीं है, एकदम भी नहीं है। लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा बाद में खा रहा हूँ, देखिए उसमें देखिए थोड़ा सा ग्लॉसीनेस आ रहा है, एक ग्लॉसीनेस ये खीर में नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ये ग्लॉसीनेस ये पानी है, दही में पानी कट जाता है, इसलिए ये दही भी नहीं है, उतना प्योर से दही भी नहीं है और खीर भी नहीं है। खीर होता तो पानी नहीं करता, देखिए इस पर थोड़ा सा ग्लॉसीनेस है, ये जो देखिए ग्लॉसीनेस ये पानी है, क्योंकि ये दही और खीर का संमिश्रण है। मीठा थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा खा नहीं पाएगा, सस्ते में आदमी को खीर खिलाना, गाय का दूध से नहीं, भैंस का दूध, महिषा बफेलो के दूध से, दूध का खीर खिलाना है। जितना तक मुझे मालूम है, मेरा नानी दादी जब कायदा है, महिष का दूध का खाओगे तो शरीर अच्छा नहीं होगा। ओकेशनली हम खा रहे हैं, ये रात में मत खाइए, 12 बजे के बाद ही खाइए। तो महिष असुर के होते हैं, उम्र कम हो जाता है, शरीर बहुत मोटा हो जाता है, इसलिए महिष के अंदर से जो असुर निकलता है उस असुर को महिषासुर कहते हैं, माँ दुर्गा के पैर के नीचे, कदमों के नीचे रहते हैं महिषासुर। और गाय भगवान कृष्ण के संग रहता है, भगवान शिव के संग रहते हैं, नंदी गुरु, नंदी गाय, ये जो नंदी गुरु है, नंदी ये गाय है, शिव के साथ रहता है, और विष्णु, भगवान विष्णु यानी श्री कृष्ण के साथ भी ये गाय रहता है। तो ये फेमस तो है, लेकिन गाय का दूध से नहीं है, ये भैंस के दूध से, भैंस का दूध अभी 2023 जुलाई में इसका दाम है 20 से लेकर
25 लेकर, रिटेल प्राइस में 25 है और अगर जो खरीदेंगे वो 5 रुपये प्रॉफिट करेगा, इसलिए 20 रुपये है। और अभी इस समय में गाय का दूध है जो प्योर है वो 50 रुपीस है, वो पानी मिलाकर 40 रुपीस से लेकर 45 रुपीस तक है। और जो खरीदता है वो भी 50 रुपये से खरीदता है, थोड़ा सा पानी मिलाकर ये बेचता है। अगर पानी नहीं मिलाएगा तो इसका दाम 60 रुपीस पर मिलेगा। और गाय का ये जो गाय का दूध से ये खीर इतना अच्छा नहीं बनता क्योंकि उसका अंदर क्रीम ज़्यादा नहीं होता, लेकिन भैंस का दूध में क्रीम ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्रीम खीर भी है और दही भी है। ऑकेशनली हम खा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन रोज़ आप लोग कभी भी ये रोज़ रेगुलर मत खाइए। गाय का दूध से वो रोज़ खाइए, शरीर के लिए अच्छा है। ये जो भैंस का दूध है ये रोज़ मत खाइए, ऑकेशनल खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।